देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य में माह जून से मानसून के मौसम की शुरुआत होने से बड़े पैमाने पर कीट पनपते हैं। वहीं कीटक जन्य बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया व मस्तिष्क ज्वर होने से व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। बारिश के समय के पूर्व स्थानीय स्तर पर इस कीट जन्य बीमारी का नियंत्रण व प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करना आवश्यक है। मलेरिया बीमारी का प्रसार एनाफिलिस मादा मच्छरों के कारण होता है। इन मच्छरों की पैदाइश जमा हुए स्वच्छ पानी में होती है। इन मच्छरों के काटने से मलेरिया का प्रसार होता है। इससे निरोगी व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण दिखाई देने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। मलेरिया होने पर व्यक्ति में ठंड लगकर बुखार आना, सिर दर्द व उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। मलेरिया से मुक्त होने के लिए तत्काल मरीज के रक्त का नमूना लेकर अथवा आरडी की जांच की जाती है। ये जांच सरकारी अस्पतालों में मुफ्त की जाती है। मलेरिया का प्रसार रोकने के लिए जमा हुआ पानी फेंकना, घर में पानी जमा करने वाले बर्तनों को सप्ताह में एक बार स्वच्छ धोकर सुखाना, गाँव के बाहर गोबर के गड्ढे कर उस पर मेलिथियन पाउडर का छिड़काव करना आदि, ये सब काम करने से इस कीट जन्य बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए जिले के सभी नागरिकों से जिले में शून्य मलेरिया का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करने का आह्वान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत उइके और जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अदिति त्यागी ने किया है। एलईडी टीवी, फ्रीज, एसी, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, मोबाइल एवं अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बजाज फाइनेंस के साथ किफायती दाम में उपलब्ध है साइट रेटिंग इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।